गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 यूनिट 9 एक्सरसाइज 9.3। तो हमारे पास तो 9.3 है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में दो टाइप्स के एक साथ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लिखा है मैंने वो एडिशन का है, पर ऐड करने से पहले मुझे बोर्ड मार्क्स के हिसाब से ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जहां जहां कॉमन है वहां वहां मैं प्लस लगा लेता हूं। पहले प्लस लगाया, क्यू क्यू माइनस आर, एड की जगह भी प्लस लगा लिया, आर आर माइनस पी। अब जहां जहां ब्रैकेट्स आए हैं वहां से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमारे पास ब्रैकेट आया इधर, तो पी से पी को मल्टीप्लाई की पी स्क्वायर, पी से क्यू को की पी क्यू, और आ गया साथ में क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर से आर को की तो आर स्क्वायर, फिर माइनस आर पी। चेक कर लेते हैं कटता है कुछ कि नहीं कटता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कटेगा, तो मैं अरेज कर लेता हूं स्केल वाले के साथ। पी स्केयर प्लस का क्यू स्केयर प्लस का आर स्केयर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर। हमारा क्वेश्चन यहीं पे आके सॉल्व हो गया। इसके आगे हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलता यार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसका राइट कर रहा हूं, वो भी एडिशन का है। ऐड क्वेश्चन, तो एडिशन के क्वेश्चन में आप लिखा है 2x वो आ जाएगा z माइनस x माइनस y एंड 2y आ गया z माइनस y माइनस। तो ये एड का क्वेश्चन है, तो हमें दोबारा से एंड की जगह फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस लगानी पड़ेगी। आपको जो लेफ्ट आउट बचा वो लिखेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो हम फर्स्टली बॉड मास के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया टू को जब किया तो एक्स एड आता है टू एक्स स्क्वायर। हम मल्टीप्लाई प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही कर रहे हैं, इस हिसाब से माइनस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड और टू वाई स्क्वायर और टू एक्स वाई। तो क्वेश्चन को यहीं भी छोड़ सकते हैं, अगर फर्दर करना हो तब भी हो सकता है, हम यही छोड़ रहे हैं क्योंकि अरेंज करके कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब इसका जो एक और पार्ट आगे बढ़ सकता है, यहां भी 2xy है यहां भी 2xy है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा क्योंकि लाइक टर्म्स है मेरे पास। क्या है लाइक टर्म, 4xy प्लस 2yz माइनस 2y। हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखेंगे इसका, वो सब्सट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में हमें अब सब्सट्रैक्शन करना है। तो सब्सट्रैक्शन में हमारे पास क्वेश्चन आता है अब, हमने क्वेश्चन राइट कर लिया, तो लास्ट टाइम की तरह फॉर्म के बाद वाली जो टर्म रहती है सब्सट्रैक्शन के केस में उसको पहले राइट कर दें, तो आ जाएगा 4l tan n माइनस 3m प्लस 2l। आ गया माइनस लगाई 3l l माइनस 4m प्लस 5m। तो लिखा तो दोबारा से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जो पहले वाला ब्रैकेट है वो तो सॉल्व हो जाएगा, आ गया 40 एल एन सॉरी एल एन माइनस 12 एल एन प्लस 8 एल स्क्वायर। अब ये माइनस का है तो जब अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई भी करेगा, माइनस माइनस प्लस 12 एल एन माइनस 15 एल एन। तो अब चेक कर लेते हैं लाइक टर्म्स एक साथ लिखेंगे। फर्स्ट जो टर्म थी वो 40 एल एन थी, तो एल एन यहां माइनस का आ गया,
तो माइनस 15 एल लॉग एन 12 एल एम है, तो 12 एल एम इधर भी है, प्लस का है वो 12 एल एम, तो प्लस 8 एल स्क्वायर और 3 एल स्क्वायर, तो 12 से 12 कट गया, सब्सट्रैक्ट करेंगे 15 को तो आ जाएगा 25, 25 एल एम, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस का 5 एल स्क्वायर। हमारे पास ये क्वेश्चन यहीं पे ही खत्म हो जाता है। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है इसका डी पार्ट, तो डी पार्ट में सब्सट्रैक्ट करना है। पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, 3a a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी एंड फ्रॉम 4c माइनस a प्लस बी प्लस का सी। तो अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमारे पास क्वेश्चन दो पार्ट में बन गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट अलग रहता है और ये वाला अलग रहता है। हम जब राइट करेंगे तो फ्रॉम की जो टर्म है उसको पहले राइट करेंगे 4c a प्लस बी प्लस सी, राइट कर लिया। जैसे राइट करूंगा तो माइनस ब्रैकेट बड़ी लगाऊंगा क्योंकि अब दो इक्वेशंस हैं, तो आ जाएगा 3a a प्लस बी प्लस सी, फिर माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी, राइट कर लिया ब्रैकेट बड़े वाला क्लोज। तो जैसे जैसे सॉल्व करेंगे फर्स्टली ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 4ac प्लस 4cb प्लस 4c स्क्वायर। तो अभी मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं की, इसका कारण यह है क्योंकि अभी अंदर वाले ब्रैकेट मुझे ओपन करने हैं। तो आ गया 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ca माइनस 2ab माइनस माइनस हो गया प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2b। तो सारा की सारा राइट हो गया। लास्ट जो लाइन आई थी वो लिख रहा हूं मैं, आप CB जितने भी हैं उनका मैंने BC बना दिया, रीअरेंज करके अब माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूं, तो 3a स्क्वायर आ गया माइनस 3ab माइनस 3ac माइनस माइनस हो गया प्लस 2ab माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2b। बहुत बड़ा इक्वेशन बन गया हमारे पास। तो हम रीअरेंज चेक कर रहे थे, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस का एसी है, अब एसी हमारे पास सिर्फ इधर है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये दो सॉल्व हो गए माइनस 7ac, ये भी सॉल्व कर। अब बीसी है प्लस का 4bc, तो बीसी कहाँ है इधर, तो आ गया 4bc, जब हमने प्लस किया तो प्लस का आ गया 6bc, 6b और c। अब आ गया 4c स्क्वायर, तो c स्क्वायर कहीं भी नहीं दिख रहा, तो प्लस का 4c स्क्वायर। अब a स्क्वायर है माइनस 3, a स्क्वायर भी कहीं नहीं था तो राइट कर लिया। अब बात आती है ab की, माइनस का 3ab है और प्लस का 2ab, तो सिर्फ माइनस का ab ही बचेगा और माइनस 2b स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। तो हमारी एक्सरसाइज इसी के साथ खत्म होती है। थैंक यू।